हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर की एक ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि आप खुद सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा चौंक जाने वाले हैं। और यकीन मानो इस सेटिंग के बारे में 100% आपको नहीं पता होगा इससे पहले, जो कि अभी अभी प्ले स्टोर के अंदर व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है जिसकी मदद से आपको ये फ्यूचर मिलने वाला है। और ये ट्रिक व्हाट्सएप का ओरिजिनल एप्लीकेशन के अंदर ही मौजूद है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अपने व्हाट्सएप को पहले अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप इस फ्यूचर को चालू कर सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज बढ़ते हैं सेटिंग की ओर। गाइज अब सबसे पहले यहाँ पे मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी कॉन्टेक्ट को कुछ मैसेज भेजता हूँ, कुछ भी मैसेज जो आप भेजना चाहते हो। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइज, जो ऊपर इसकी प्रोफाइल यहाँ पे मैं टैप कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा होगा डिसअपेयरिंग मैसेज, ये जो ऑप्शन है ये व्हाट्सएप ने एक नई अपडेट लाई है गाइज। जी हाँ गाइज, ये एक नई अपडेट आई है। अब इसको क्या कर लेना है, इसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है गाइज। अब आप देख ही रहे, यहाँ पे देखो गाइज, यू टर्न इट ऑन डिसअपेयरिंग मैसेज, ऑल न्यू मैसेजेस विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट 7 days आफ्टर दे आर सेंट टू टैप टू चेंज। अब गाइज यहाँ पे आपको देख रहे हैं, लोगों के बगल पे एक घड़ी का सिंबल आपको दिख ही रहा है जो कि काफ़ी कमाल की लुक तो दे ही रहा है। और इसका काम यही है कि अब 7 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली चैट को डिलीट कर देता है। तो इसको आप ना ज़रूर से ट्राई करना अपने व्हाट्सएप के लिए और अपने जीएफ को भी मैसेज भेजना ताकि उसका मैसेज डिलीट हो जाए। 7 दिन के बाद अगर आप कुछ पर्सनल मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने डिलीट करना ही भूल गया, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो इसका कोई टेंशन आप मत लो। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।